श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। विषय बड़ा महत्वपूर्ण, कुंडलिनी जागरण। चक्र के बारे में मैंने पहले भी विस्तार में एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से चक्र जागरण से आपका कॉन्शियसनेस ऊपर उठता है। बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारा ज्ञानवर्धक मटेरियल ऑनलाइन या फिर किताबों में यूट्यूब पे अवेलेबल है कि कैसे चक्र साधना की जाती है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वो विद्या जिससे सच में चक्र जागृत होते हैं। ये विद्या उनके पास है जो कि किसी गुरु परिवार से संबंध रखते हैं। ये आम जनमानस के लिए आज तक इस विद्या को नहीं खोला गया था। आज ये विद्या मैं आप लोगों के साथ इसलिए दे रहा हूं ताकि विद्या लुप्त ना हो। तो आते हैं मूलभूत बात पर। हम लोग अभी तक जितना भी यूट्यूब में या फिर जहां भी चक्र साधना के बारे में सुनते हैं तो हमें चक्रों के रंग बताए जाते हैं, चक्रों के आकार बताए जाते हैं और साथ में क्या बताया जाता है, चक्रों का बीज मंत्र। समझने की बात यह है कि ये बीज मंत्र क्या है, चक्र क्या है और शरीर में उनका संबंध क्या है और किस तरीके से, मतलब प्रोसेस क्या होता है कुंडलिनी जागरण का। ठीक है, तो सबसे मूलभूत बात यह है कि चक्र सेंटर्स होते हैं शरीर में, 6 चक्र होते हैं, ऐसे बहुत सारे चक्र होते हैं लेकिन कुंडलिनी का 6 चक्र होता है और 7वां चक्र शरीर के बाहर होता है। और ये जो 6 चक्र है ये 6 बंद है शरीर का। जब मैंने आप लोगों को माइंड के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि शरीर की क्षमता इसलिए कम हो रही है क्योंकि ब्रेन लॉक कर दिया गया है और जो मंत्र होता है उसके वाइब्रेशन से वो लॉक खुलता है। उसी तरीके से चक्र, जो 6 चक्र है शरीर में, इसको भेदना पड़ता है और जब इसके बीज मंत्र से आप उस चक्र को भेदते हैं तो वो चक्र खुल जाता है। तो फिर बताइए कि चक्र ऊपर कैसे उठता है। जैसे लोग बोलते हैं कुंडलिनी आरोहणम जब बोला जाता है, जब कुंडलिनी ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, जब कुंडलिनी ऊपर चढ़ने की बात करते हैं तो ऊपर चढ़ता क्या है और क्यों ऐसा होता है कि हम कितना भी मेहनत कर ले कुंडलिनी ऊपर नहीं चढ़ती है। देखो, इसमें 2-3 मूलभूत बातें हैं जो कि आज तक आप लोग नहीं जानते थे और जो आपको जानना जरूरी है। वो क्या बातें हैं, वो ये बात है कि कुंडलिनी किन चीजों से बनी होती है, कुंडलिनी शक्ति में ऐसा कौन सा तत्व है जिसके चलते उसके जागते ही, मतलब जागने का क्या मतलब होता है कि मूलाधार से सहस्र तक जब वो शक्ति पहुंचती है तो आपका दिव्य चक्षु, दिव्य नैने सब खुल जाता है। जो 33 कोटि देवी देवता बताए गए, मतलब 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि का मतलब होता है 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति। ठीक है, इन 33ों को आपके शरीर में इन 6 भाग में बंधन करके रखा गया है। ठीक है, तो जो 33 कोटि देवी देवता है वो हमारे शरीर में वास करते हैं और उन 33 कोटि देवी देवता को जब आप खोलते हैं तो फिर आप में अलौकिक शक्ति आती है। देखो, शरीर का 2 भाग होता है, एक साधारण भाग, मतलब जैसे हमारा हाथ पैर, हमारा दिमाग, आँख, मतलब जिसको आप सर्जरी के थ्रू या टच करके या 5ों सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं, और एक होता है असाधारण अंग जिसको मर्म स्थान कहते हैं। मर्म स्थान वो होता है जो कि बहुत कोमल होता है, इसलिए मर्म स्थान कहते हैं, लेकिन साथ ही वो अद्भुत शक्तियों को देने वाला स्थान है हमारे शरीर में। और वो शरीर में कहाँ होता है, तो वो हमारा जो मेरुदंड है, जो बैकबोन है, उसमें 33 छोटी-छोटी हड्डियों को मिला के वो बनता है। इसको आप प्रत्यक्ष आंख से नहीं देख सकते हैं, ये एक
ऐसी चीज है जिसको कि एहसास किया जा सकता है, जिसकी शक्ति खुलने पर एहसास होता है कि ये हमारे पास है। जब कुंडलिनी चढ़ता है तो क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब आपकी कुंडलिनी खुलनी शुरू होती है, ठीक है, तो 33 कोटि देवी देवता की शक्ति आप में आती है। हाँ, जब 33 कोटि देवी देवता की शक्ति आप में आती है तो आप में हर तरह की वो शक्ति जो देवता कर सकते हैं वो सारी क्रियाओं के आप में कला आ जाती है। ठीक है, मूलभूत बात ये है समझने का कि जो आप सिद्धि करना चाहते हैं, जो आप साधना करना चाहते हैं, जो साधक होते हैं, उनका पूरे साधना का उद्देश्य होता है कि कुंडलिनी मतलब मूलाधार से चढ़ के ये शक्ति सहस्त्र पे पहुंच जाए। अब आते हैं कि ये शक्ति क्या होती है। आप कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं बिना जाने कि किस शक्ति को जागृत कर रहे हैं। ठीक है, आप एक भीड़ में हैं, ठीक, आप भीड़ में आपको जिसको बुलाना है उसका नाम आपको पता है। अब मान के चलो उस नाम के 5 व्यक्ति हैं तो आप उसका ग्राम बताएंगे। अब उस ग्राम में उस नाम के 2 व्यक्ति हैं तो आप उसके पिता का नाम बताएंगे या उसका पता बताएंगे। तब तो उस भीड़ में आदमी पहचान में आएगा। आप एक भीड़ के सामने आप खड़े होकर ओ भाई ओ बहन ऐसे करोगे तो कभी आप उस व्यक्ति को पकड़ पाओगे क्या? कुंडलिनी जागरण में हम लोग वही कर रहे हैं, मतलब जनरल में, कि हमें पता ही नहीं है कि जागृत किस चीज़ को कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, मंत्र सुन रहे हैं, कर रहे हैं, कुंडलिनी मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके बाद अवेकनिंग ऑफ द कुंडली कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो? तो देखो, जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें के अलौकिक आश्चर्यजनक शक्तियां बैठती हैं, उसका 3 भाग है। ठीक है, 3 नाड़ियां जिसको कहते हैं, ये मैक्सिमम लोग जानते होंगे, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। तो इंगला पिंगला, जब आप अभी जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो दोनों तरफ से नाक चल रहा है, तो ये जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ चलता है तो एक इंगला है एक पिंगला है। ठीक है, इन दोनों के संगम से जो बना वो सुषुम्ना है। ठीक है, मतलब इन दोनों के मिश्रण से, जैसे जब गंगा यमुना जब मिलता है तो सरस्वती का निर्माण होता है, सरस्वती नदी का निर्माण होता है, वैसे ही इंगला पिंगला साथ जब मिल जाए तो फिर सुषुम्ना बनता है। ठीक है, ये जो इंगला पिंगला है ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। बहुत लोग इसको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी कहते हैं, कोई ठंडा नाड़ी और गर्म नाड़ी कहता है, लेकिन विषय है जब दोनों का मिश्रण होकर सुषुम्ना बनता है तो फिर ये जो मिश्रित जो नाड़ी है ये आपके मूलाधार से लेकर के ब्रह्म कमल तक जाता है। ब्रह्म कमल जिसको 7th चक्र भी बोलते हैं, ठीक है, क्राउन चक्र भी बोलते हैं। जैसे आपने महादेव को देखा है कि जटा बांध के रखते, क्यों जटा बांध के रखते, या बहुत सारे साधु जटा बांधेंगे, जटा बांधने का मतलब है कि उन्होंने ब्रह्म कमल पर बंधन कर दिया। अब ठीक है, तो वो जो है जब इंगला पिंगला मिलता है और सुषुम्ना जब बनता है तब वहां तक जो नाड़ी पहुंचती है वो नाड़ी को पहुंचाने का काम होता है, कुंडलिनी को राइज कराना। अब इस नाड़ी में भी 3 वर्ग होता है, ठीक है, उसको कहते हैं वज्रा, चित्रणी और ब्रह्म नाड़ी। अब सब खेल जो है वो इस ब्रह्म नाड़ी का है, मतलब पहले इंगला पिंगला बन के सुषुम्ना बना, उसके बाद उसके अंदर फिर 3 भाग हुआ, जो कि एक हुआ वज्रा, एक हुआ चित्रणी और एक हुआ ब्रह्मनाड़ी। कॉपी कलम लेके लिखो, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक तुम अंधेरे में तीर मारते रहोगे। ठीक है, तो वज्रा, चित्रणी और ब्रह्मनाड़ी। अब ब्रह्मनाड़ी का सारा खेल होता है, ब्रह्मनाड़ी ही वो नाड़ी है जो कि ब्रह्म कमल तक पहुँचती है और तुम्हें अलौकिक शक्तियां देती है। 33 कोटि देवी देवता को का जो शक्ति होता है, जो ब्रह्मरंध में समाया हुआ है, वो आपको देती है। अभी तक क्या है कि लोग समझते ही नहीं है कि ब्रह्म नाड़ी क्या है, इंगला क्या है, पिंगला क्या है, हाँ, और बस किए जा रहे हैं मंत्र, लाम 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 बोल के ध्यान कहाँ करना है, क्यों लाम? रूट चक्र का मंत्र जो है, मूलाधार का मंत्र लाम क्यों है? लाम बोले कि लांग बोले? ठीक है, तो जैसे
ये मतलब वैसे ही बात होगी कि आप परमाणु शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं चाय की टपली पे बैठ के, कि हाँ हाँ ये तो ऐसा होता है, चेन रिएक्शन ये होता है वो होता है, और आप जानते कुछ नहीं है उसके बारे में। तो वैसा ना करते हुए हम लोगों को जानना चाहिए कि अगर हम कुंडलिनी जागरण की बात कर रहे हैं तो वो कैसा होता है। देखो कुंडलिनी जागरण बहुत तेजी, बहुत तेजी, एक बार जैसे वो शुरू होता है ना तो वो करीब करीब 350,000 के आसपास मील प्रति सेकंड चलता है, शक्ति समझो, उसका पावर समझो, ठीक है। तो अपने जो 6 चक्र हैं, सबसे पहला तो मूलाधार हो गया, ठीक है, जो बिल्कुल मूल में होता है आपके, फिर स्वाधिष्ठान होता है वो नाभि और लिंग के बीच में होता है, फिर मणिपुर होता है जो कि आपके जो नाभि है उसके पास होता है, फिर अनाहत होता है जो कि हृदय में होता है, फिर आप विशुद्धि होता है जो कि आपके थ्रोट में होता है, गले में, आज्ञा चक्र हुआ थर्ड आई, फिर शून्य होता है या फिर शास्त्र बोलिए जो कि आपको कनेक्ट कर देता है सबसे ऊपर जो आपका जो पावर है उसमें आपको कनेक्ट करता है, वो है शून्य चक्र, ठीक है। अगर आपने इसकी साधना कर ली और जो मैं विधान बताने जा रहा हूँ उसके हिसाब से इसकी साधना कर ली, अगले एक साल में आप इस चीज़ को तय कर लोगे कि आपका जीवन 100 साल से ज़्यादा होगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, बोला जाता है कि साधुओं की बात साधु में रहती है, लेकिन मेरा मानना है कि हर चीज़ हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब समझो 100 वर्षों तक आप जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अगर आपने 6 चक्रों का भेदन कर लिया, इन 6 चक्रों का भेदन कर लिया। अब सीधे आते हैं कि किस तरीके से ये भेदन होता है। तो जो सूक्ष्म ग्रंथियां हैं, ठीक है, और जो ब्रह्म नाड़ी है वो मार्ग बनाती है, एक उसके जब व्यवस्था से आप गुजरते हैं तो ब्रह्म नाड़ी अपना एक मार्ग बनाती है। जब ये मार्ग बनाती है ना तो ये बिल्कुल वैसे ही बनाती है आपके शरीर में मार्ग, जैसे एक घुन किसी लकड़ी को खाता है। तो आपने अगर देखा है कि घुन कैसे लकड़ी को खाता है तो वो कभी भी एक सीधा लकीर नहीं होता, वो एक पैटर्न बनाता जाता है जहाँ लकड़ी ठोस हो उसको छोड़ते हुए। उसी तरीके से जब किसी भी चक्र का भेदन होता है तो हर चक्र के भेदन का प्रभाव अलग होता है। अभी देखो यहाँ पर मैं अभी एक बात बता दे रहा हूँ, बहुत लोग मुझे ऐसा बोलते हैं फ़ोन करके कि गुरुजी मेरा थर्ड आई एक्टिवेट हो गया है, मेरा स्वाधिष्ठान या हार्ट चक्र मेरा एक्टिवेट हो गया है। आप सबको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिसका मूलाधार भी एक्टिवेट हो जाएगा ना वो मुझसे नहीं पूछने आएगा क्या के क्या करना है, या वो बैठ के ये वीडियो नहीं सुन रहा होगा कि उसको क्या करना है, उसको पता होगा आगे क्या करना है। 33 कोटी जो देवी देवता है उसमें एक बंध भी खुल गया तो आपके पास बहुत शक्तियां आ जाएंगी। तो जो बोलते हैं कि मेरा चक्र जागृत हो गया है और मेडिटेशन का धुन सुन लिया आर्ट ऑफ लिविंग वालों का या किसी का भी, और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि चक्र जागृत हो रहा, तो ऐसा नहीं है। भूल और भ्रम में नहीं रहिएगा, अभी जो विधान बता रहा हूँ इसको करिएगा, और करने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि क्या होता है चक्र जागरण, ठीक है। तो ये समझो अब कि ब्रह्म नाड़ी जैसे जैसे चक्र को भेदता है ना तो आपको एक ध्वनि सुनाई देती है। मैंने पिछला बार जब चक्र जागरण का एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी ध्वनि किस किस चक्र की होती है, और उसी में मैंने बताया था कि ओम का ध्यान कैसे करते हैं, कैसे आँख बंद करके अपने शरीर के अंदर की आवाज़ों को सुनते हैं। तो जो आप आँख बंद कर लेंगे, आँख बंद करेंगे, थर्ड आई को प्रेस करेंगे, कान को बंद करेंगे और अपने शरीर के अंदर की आवाज़ को सुनेंगे तो आपको ओम का नाद सुनाई देता है, शरीर के अलग अलग अंगों का नाद सुनाई देता है। तो जब आपका चक्र जागने लगेगा ना तो जिस चक्र का भेदन हो रहा है, ठीक है, उस चक्र का आपको ध्वनि सुनाई देगा।
तो अलग अलग चक्र के अलग अलग साउंड होते हैं, किसी में आपको स सुनाई देगा, र ग म, या फिर यम लम रम हम ओम, इस तरीके के ध्वनि आपको सुनाई देंगे। ठीक है, शरीर में आपको जो चाल है वायु की, जो ब्रह्म नाड़ी जब चलेगी तो अलग अलग जो जो चाल होती है, जैसे वात पित्त कफ की नाड़ी है, सब जो अलग अलग नाड़ियां हैं, किसी का जो चाल है वो हाथी के समान होगा, किसी का मगर के समान होगा, किसी का भ्रमर के समान होगा। हो सकता है कि अभी आप इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं मतलब आपको शुरू करना है। ठीक है, जैसे ही आपका एक चक्र भी जागृत होगा ना, तो आप में बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएगी। क्या क्या शक्तियाँ आती हैं? तो उत्पादन की शक्तियाँ, मतलब मैनिफेस्टेशन, पोषण, संहार, ज्ञान, बल, हाँ, इस तरह की शक्तियाँ आप इनसे खेलेंगे। तो शुरू करते हैं अब विधान। देखो, हमेशा शिव और शक्ति का बैलेंस लेके चलना है, शिव और विष्णु का बैलेंस लेके चलना है। और जब आप इसको करिएगा तभी, जैसे जीवन में क्या है, अगर धन है तो ऋण रहेगा, अगर आग है तो पानी रहेगा, बिना तालमेल के कुछ नहीं होता। ऐसे ही जो आपके चक्र होते हैं इसमें भी देवी देवता जो है वो साथ बैठते हैं। अब समझो करना क्या है आपको, विधान एकदम दिमाग खोल के सुनो इसको, कान खोल के साथ में खोल लो। पद्मासन में बैठिएगा, ठीक है, सुबह सुबह स्नान करेंगे और उसके बाद पद्मासन में बैठेंगे, ध्यान की मुद्रा में आप बैठिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो पंचकोश की क्रिया है उसको करना है, मतलब आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम और न्यास। ठीक है, इसके बाद गायत्री मंत्र का 108 जाप कीजिएगा। ठीक, और उसके बाद आप बैठ जाइएगा ध्यान करने के लिए। ध्यान में आपको क्या करना है, शुरुआत में चक्र के बारे में सोचना भी नहीं है, मतलब समझ लेना है कि अभी औकात के बाहर है चक्र। तो शुरू कहाँ से करेंगे, पहले आंख बंद करके दिमाग में अपने लेफ्ट कान से राइट कान के बीच में एक लकीर खींचने की कोशिश करेंगे। सुनने में बहुत आसान लग रहा है, ये मूल है, यही सीक्रेट है, यहीं से शुरू होगा कुंडलिनी जागरण। लेफ्ट ईयर और राइट ईयर के बीच में सर के अंदर एक लकीर बनाना है। जब ये लकीर आप बनाने लगिएगा ये टूटेगा बीच में। बहुत तरह के मतलब आपको बहुत सारे विचार आएंगे इस काम को रोकने के लिए। आप एक लकीर खींचेंगे लेफ्ट से राइट कान के बीच में, उसके बाद जब ये लकीर आप खींच पाए तो अपने थर्ड आई से उस लकीर के मध्य में एक लकीर खींचिएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको समय लगेगा 10-15 दिन कम से कम। और जहां पर ये दोनों मिल जाए आपके मन में, मतलब आप ध्यान करने बैठ रहे हैं तुरंत आप एक लकीर खींच पा रहे हैं फिर दूसरा लकीर खींच पा रहे हैं, तो उस जगह पर मन में एक शिवलिंग स्थापित करेंगे। ठीक है, और फिर शिवलिंग पर ध्यान करेंगे, अभी कुंडलिनी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ शिवलिंग पर ध्यान करेंगे। फिर उस शिवलिंग को घींच करके अपने थर्ड आई पे लाएंगे उस धागा के साथ। शिवलिंग क्यों है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था शिवलिंग का मतलब क्या होता है। लोग सोचते हैं शिवलिंग का मतलब महादेव की पूजा करें, नहीं, शिवलिंग के कई भाग होते हैं। आज के डेट में जो आप शिवलिंग यूज़ कर रहे हैं और जो शिवलिंग जो शिव पुराण के हिसाब से है उसके कई भाग हैं। शिवलिंग में माता पार्वती के ऊपर अनंत रूप में, मतलब गोलाकार रूप में महादेव हैं, जो पार्वती है नीचे, लेकिन पार्वती के नीचे अंदर क्या है, दूसरी तरफ अष्ट मूर्ति के रूप में विष्णु जी स्थापित हैं और चार मुख में ब्रह्मा जी स्थापित हैं। नीचे की ओर उनके नवग्रह हैं और ऊपर के ओर जो है श्रीयंत्र होता है। ठीक है, तो इस रूप में आप शिवलिंग को स्थापित करेंगे और उसके बाद चक्र ध्यान शुरू करेंगे। चक्र ध्यान कैसे करेंगे, अब ये समझिए, आपको हर जो चक्र का मंत्र पता है उस मंत्र को आपको करना नहीं, जैसे ही आप एकाग्रचित हो जाते हैं उस शिवलिंग को खींच के अपने थर्ड आई पे लाते हैं, उसके बाद
आप अपने मूलाधार पर ध्यान करेंगे, ध्यान शिवलिंग पर लेकिन ध्यान मूलाधार पर, तो मूलाधार उठना शुरू होगा। जब मूलाधार आपका उठना शुरू होगा तो लाम आप जपेंगे नहीं, आपको लाम सुनाई देगा, आपको चक्र का मूवमेंट पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, जब आप चक्र साधना करेंगे तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? जैसे आप मूलाधार चक्र पर ध्यान कर रहे हैं तो मूलाधार का जो स्थान होता है वो योनि होता है, मतलब गुदा के समीप। ठीक है, इसका रंग लाल है, लोक इसका पृथ्वी है, मतलब भूलोक होगा। अक्षर जो सुनाई देंगे वो होंगे वम, शम, शौम या शैम। ठीक है, बीज अक्षर इसका लाम है। ठीक है, इसका जो गुण है वो गंध है, और इसमें जो शक्ति विराजती है, मैंने बोला शिव शक्ति का बैलेंस रहेगा, तो वो शक्ति है डाकिनी शक्ति। हाँ, आप लोगों को आश्चर्य होगा, डाकिनी शाकिनी मैंने बताया था तीन तरह की होती हैं, डाकिनी होती है, सुपर शाकिनी होती है, सुपर हाकिनी होती है, और ये तीनों आपके शरीर की मालकिन है। तो मूलाधार का जब ध्यान करेंगे तो जिस देवी शक्ति के सामने आप नतमस्तक होंगे वो होगी डाकिनी शक्ति। डाकिनी का मतलब डायन नहीं होता, डाकिनी शक्ति है, जैसे ब्रह्म राक्षस कूष्मांड भैरव आदि देवता है वैसे डाकिनी शक्ति होती है, जैसे देवी कुरुकुल्ला डाकिनियों की देवी है। ठीक है, जब आपका ये चक्र और इसका जब आपको आवाज़ आने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा चक्र जागृत हो गया, तो ये बहुत अच्छा आपको वक्ता बनाएगा। ठीक है, आपको रोग मुक्त कर देगा, आप कभी चिंता में नहीं रहेंगे, और जैसे ही रूट चक्र जागृत होगा आप लेखनी में बहुत श्रेष्ठ हो जाइएगा। इसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो लिंग से थोड़ा ऊपर, जिसको पेडू कहते हैं, उस जगह पे रहता है। ठीक है, सिंदूर के रंग का होता है, और जो दल का अक्षर है इसका वो है वम, भम, मम, यम, रम, लम। जल तत्व है, बीज अक्षर है इसका बाम। ठीक है, और जो देवता इसमें विराजते हैं वो है विष्णु देव। जैसे ही आपका ये सिद्ध होगा आपको अहंकार मुक्त कर देगा, मतलब जो बोलता है ना लोभ मोहन महामाया रक्षताम परमेश्वरी, तो इसमें आपको योग में ये श्रेष्ठ कर देगा, मोह खत्म कर देगा, विकार खत्म कर देगा, रचना शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, अहंकार आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आता है मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र नाभि में होता है। ठीक है, ये नीले रंग का होगा, इसका जो अक्षर होगा वो डम डम नम तम थम नम पम फम। ठीक है, अग्नि तत्व है इसका, और इसका बीज होता है राम। ठीक है, इसके अलावा जो रुद्र है, मतलब रुद्र देवता वृद्धावस्था में वो इसके देवता होते हैं। जैसे ही आपका सिद्ध हो जाएगा, सिर्फ थर्ड आपका जब आपका सिद्ध हो जाएगा ना मणिपुर चक्र, तो आप चुटकी में किसी का संहार कर पाइएगा, या किसी का आप जो है जान चुटकी में बचा लीजिएगा। यही नहीं, आप जो बोल दीजिएगा वही होगा, मतलब जो वाक सिद्धि की शक्ति होती है वो इस रूट के जगने से होती है। अब सोचिए, जो बोलते हैं कि थर्ड आई चक्र हमारा जागृत हो गया है, उसमें हरकत हो रही है, जिन लोगों को थर्ड आई चक्र जागृत होगा उसको कितनी असीम शक्तियाँ मिलेंगी जब मणिपुर पे ये हाल होती है। फिर चलो अनाहत पे आ जाते हैं। अनाहत हृदय चक्र है। हृदय चक्र मतलब प्रेम भाव दिखाता है। ठीक है, ये जो है इसके अक्षर होते हैं कम खम गम चम छम झम तम तम, ये सब ऐसा आपको ध्वनियाँ आएंगी। वायु है इसका तत्व, और काकिनी मतलब डाकिनी से ऊपर जो ही काकिनी इसकी देवी है, तो काकिनी पर आप ध्यान करेंगे। जैसे ही आप इसको सिद्ध कर लेंगे, आप जहाँ बैठिएगा आपका वहाँ पर राज होगा, योग सिद्ध हो जाएगा आपका, ज्ञान इंद्री सब जागृत हो जाएगी, और आप में शक्ति आएगी परकाय प्रवेश की, मतलब आप बैठे बैठे किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हो। ये आज तक मैं एक ही ऐसे साधक से मिला हूँ, वो भी नेपाल में, जिनके पास ये शक्तियाँ हैं और आम लोगों से मिलते जुलते हैं, वरना इतना जो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है वो भीड़ से अलग रहता है। अब आ जाते हैं विशुद्धि पे। इसका स्थान कंठ होता है। ठीक है, और
अ आ ये जो 16 अक्षर है ना, अ से लेकर के आ तक सारे इसमें इस सारे आवाज आपको इसमें आएगा। आकाश तत्व है और देव जो होते हैं वो सदाशिव होते हैं, पंचमुखी सदाशिव, जो अघोर के पंचमुखी सदाशिव है वो इनके देव हैं। देवताओं का ध्यान हमेशा रखिएगा जब आप ध्यान कीजिएगा, ठीक है। जब ये आपका सिद्ध हो जाएगा तो आप शांत हो जाइएगा, आपका जीवन 100 साल के ऊपर होगा, ठीक है। तेजस्वी रहिएगा ही, आपको कोई हरा नहीं पाएगा, ये सब तो आम बातें हैं, लेकिन जो मुख्य बात है कि आपका चित्त शांत हो जाएगा, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सारी साधनाओं में बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका चित्त शांत हो जाए और उसके बाद आप 100 साल के ऊपर जीवित रहिएगा। आज्ञा चक्र पर आ जाइए तो त्रिनेत्र है, जहाँ पर आपने शिवलिंग को लाकर छोड़ा है, और जो अक्षर सुनाई देते हैं वो होते हैं हम और छम, ठीक है। बीज जो होगा इसका, यहीं से नाद जगता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान करना होता है। और इसके जो देवता है वो ज्योतिर्लिंग है, मतलब शिवलिंग, जो मैंने आपको बोला कि वहाँ पर लाकर रखिएगा। जैसे ही ये सिद्ध हो गया तो उसके बाद सब सिद्ध हो गया, उसका कुछ बचता ही नहीं है सिद्ध करने के लिए। और उसके बाद ऊपर चले जाइए, मस्तक के ऊपर चले जाइए तो शून्य चक्र है, अम छम उसका बीज है, महाशक्ति मतलब महादेव और महाकाली दोनों मिल करके इसके देवता होते हैं, ठीक है। निरंकार है, मतलब इसको सिद्ध कर लिए तो हर तरह की सिद्धि आपके कदमों में रहेगी। आप किसी को सिद्धि देना चाहें तो किसी के मुंह पे थूक भी दें तो आपको जो है सिद्धियां वो प्राप्त हो जाएंगी। तो ये हुआ सिद्धियों को करने का तरीका। जो मूल, जो आज तक आप लोग नहीं जानते थे, वो था पहला चरण। पहला चरण जो आपको मस्तिष्क में लाइन खींचना है, दूसरा चरण शिवलिंग को स्थापित करना, तीसरा चरण शिवलिंग को थर्ड आई पे लाना, चौथा चरण जिस चक्र का आप ध्यान कर रहे हैं उसके देवता का आवाहन और देवता को बुलाना, और उसके बाद चौथा चरण ना मंत्र ना जाप, सिर्फ सुनना है, ध्यान है। आप म्यूजिक बजाकर, आप किसी का भाषण सुन के कि आप अभी खेत में हैं, आप अभी बीच में हैं, आप सेल्फ हिप्नोसिस में जा सकते हैं या फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं, लेकिन ध्यान का जो उद्देश्य है वो है खुद को जानना। तो अगर आप कुछ सप्लीमेंट देंगे तो फिर वो पूरे विधान का मैनिपुलेशन हो जाएगा। जो विधि बताई उसको करिएगा और उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखिएगा। जो जो शब्दों का नाद मैंने बताया वो सारे शब्दों का नाद आने लगे, जब आपको बिना कुछ किए वो सुनाई देने लगे, जब आपको मूवमेंट पता चलने लगे, इसमें बहुत सारा विषय है जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे पहला वीडियो बनाया उसमें कुछ चीज़ें मैंने बताई, अभी जो मैंने वीडियो बताया, जो सीरियस होंगे ये इससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं, और जो निकाल लेंगे उसको फिर आगे का मैं आप लोगों को विधान बताऊंगा। अभी देखो मैं खुद भी चक्र जागरण में, मेरा सारा चक्र जागृत नहीं हुआ, लेकिन मैं हूँ इस प्रोसेस में और मैं आपको बता सकता हूँ, आगे गाइड कर सकता हूँ कि कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही, सिद्धो बनो सब, सिद्धो गुरुवरो आदेश आदेश। मैं चाहता हूँ कि आप सब सिद्ध बनो, ज्ञान लुप्त ना हो, आप लोग में जिससे मिलो उसको भी बांटो। इसलिए आज के लिए इतना ही, जिसको साधना का बेसिक सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, नंबर है 9431185885। अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरा वेबसाइट है www.aghortantra.xyz, डायरेक्ट फोन करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ @cm4 आप सर्च करिएगा, आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, आप उसमें डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, माँ भगवती महामाया और महाकाल आप लोगों को सिद्ध बनाए, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश, अलख आदेश।